हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग का प्रीव्यू देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपको सबसे इजी तरीके से वीडियो एडिट करना सिखा दूंगा। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आपको प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है। एडिट सेव पर टैप करना है। एक्स पर टैप करना है। 455 कर देना है। वाई पर टैप करना है। 765 कर देना है। रेडियस पर टैप करना है। आपको इसको 99 कर देना है। बैक आना है। हेयर पर टैप करना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है। आपको यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको 12 कर देना है। बैक आना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। आपको यहाँ से सॉन्ग सेलेक्ट करना है। लेयर की साइड में टैप करना है। होल्ड करके आपको इसको नीचे की साइड कर देना है। लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। आपको इस पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करना है। आपको यहाँ से फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। फ़ोटो पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। आपको इस पर टैप करना है। फ़ोटो पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आपको इसके साइज़ को कम कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सेलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। आपको इस पर टैप करना है। लेयर पर टैप करना है। एडिट सेव पर टैप करना है। आपको रेडियस पर टैप करना है। आपको इसको 7 कर देना है। बैक आना है। लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इसके साइज को बढ़ा देना है। बैक आना है। टू लेयर पर मार्क करना है। होल्ड करके सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। एडिट ग्रुप पर टैप करना है। इमेज पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आप यहाँ पर फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को कम कर देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको सेंटर में कर देना है। आपको इसको सेंटर में अच्छे से एडजस्ट कर देना है। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। मुख पर टैप करना है। आपको इसको ऊपर की साइड कर देना है। बैक आना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लेयर पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। ब्लर पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इस पर टैप करना है। 0.310 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। आपको इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। आपको इसको इनेबल कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से म्यूजिक टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो लेयर पे टैप करना है। ब्लेंडिंग में टैप करना है। आपको लाइट पे टैप करना है। स्क्रीन पे टैप करना है। बैक आना है। लास्ट में आना है। आपको इसको कट कर देना है। लेयर पे टैप करना है। मुंह पे टैप करना है। आपको इसको नीचे की साइड कर देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को कम कर देना है। बैक आना है। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे सॉन्ग लिरिक्स लिख सकते हैं। कलर पर टैप करना है। वाइट कलर सेलेक्ट करना है। आपको इस पर टैप करना है। लिरिक्स को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। टिक कर देना है। लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इसकी पोजिशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है। आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है। लेयर पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। टिक कर देना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। आपको इस पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। आपको इसकी पोजिशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को कम कर देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। बैक आना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। कलर एंड फिल पर टैप करना है। आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। बैक आना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है।
कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे चैनल नेम टाइप कर सकते हैं, आपको इसको एक लाइन में कर देना है, टिक कर देना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है, कलर एंड फिल पर टैप करना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है, बैक आना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है, मूव पर टैप करना है, आपको इसको नीचे की साइड कर देना है। इस पर टैप करना है, आपको इसकी साइज को कम कर देना है। इस पर टैप करना है, आपको इसको सेंटर में एडजस्ट कर देना है, बैक आना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, एड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इस पर टैप करना है, +25 कर देना है, बैक आना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आपको इसको ऊपर की साइड कर देना है। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइड आना है, आपको इस पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। स्टार्टिंग पर टैप करना है, आपको एंड में प्लस देना है, आपको सेंटर में प्लस देना है। स्टार्टिंग में 0 रहने देना है, आपको एंड में आना है, एंड में 95.7 कर देना है। सेंटर में आना है, आपको कर्व पर टिक करना है, आपको इसको ऐसे कर देना है, आप देख सकते हैं आपको ऐसे सेम करना है, बैक आना है। एंड पर टैप करना है, आपको सेंटर में प्लस देना है, आपको स्टार्टिंग में प्लस देना है, स्टार्टिंग में 5.0 कर देना है। सेंटर में आना है, आपको इसको 100.0 रहने देना है। सेंटर में आना है, आपको कर्व पर टिक करना है, आपको इसको ऐसे कर देना है, बैक आना है। एंगल पर टैप करना है, आपको इसको 90.0 कर देना है। नीचे की साइड आना है, इस पर टैप करना है, +20 कर देना है, बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट पर जाना है टेक्स्ट पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है। स्टार्टिंग पर टैप करना है, स्टार्टिंग से थोड़ा आगे आना है, आपको यहाँ पर प्लस देना है। एंड में आना है, एंड से थोड़ा पहले आपको प्लस देना है, एंड में आपको इसको 100 कर देना है। नीचे की साइड आना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में प्लस देना है, एंड में -97.6 कर देना है। स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में +70.0 कर देना है। नीचे की साइड आना है, आपको लेटर पर टैप करना है, आपको लाइन को सिलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है, आपको स्केल पर टैप करना है, 0.30 कर देना है। नीचे की साइड आना है, आपको कलर को इनेबल कर देना है, कलर पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करना है, बैक आना है। नीचे की साइड आना है, आपको इन पर टैप करना है, +100 कर देना है, आपको इस पर टैप करना है, -100 कर देना है। लास्ट में आना है, आपको स्मूथ पर टैप करना है, आपको इसको इनेबल कर देना है, बैक आना है। लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए आपको लेयर पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, आप यहाँ से लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोटो मूव करने के लिए आपको इफेक्ट ऐड करना है, लास्ट वाली लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, मूव पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, आपको इस पर टैप करना है, 0.30 कर देना है। थ्री डॉट पर टैप करना है, कॉपी इफेक्ट करना है, बैक आना है। आपको ऊपर की लेयर में इफेक्ट को ऐड कर देना है, आपको लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, थ्री डॉट पर टैप करना है, पेस्ट इफेक्ट कर देना है, बैक आना है, बैक आना है। सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए आपको लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है, होल्ड करके आपको इसको इधर कर देना है, सॉन्ग के अकॉर्डिंग कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है, आप यहाँ पे सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है। HDR इफेक्ट ऐड करने के लिए ट्यूटोरियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑल इफेक्ट ऐड कर दिए, ऐसे ही आप कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है,
वीडियो एडिटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।